तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, या फिर यूँ कहें कि शॉक करने वाला है। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है और आप उसमें अगर यूट्यूब वगैरह रखते हैं तो ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में ये जो शॉकिंग न्यूज है वो निकल के आ रही है हमारा एक शहर है गाजियाबाद, वहाँ से। और इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रशेखर राजपूत, आप देख रहे हैं लेटेस्ट कुरियर। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों हो जरूर, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप यूट्यूब जरूर चलाते होंगे। ऐसे में अगर आपके घर में कोई बच्चा है और उसकी मतलब पढ़ाई जो है ना, स्कूल तो बंद चली रही है, तो ऑनलाइन पढ़ाई करता होगा। और आजकल जो बच्चे स्मार्टफोन जिनको हम लोग नहीं देते थे, उनको अब मजबूरी में देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर गाजियाबाद का एक बच्चा है 11 साल का, खबर उससे रिलेटेड है। लेकिन बच्चे से पहले हम लोग चलते हैं बच्चे के माता पिता की तरफ, ठीक है। बच्चे का माता पिता ने गाजियाबाद के एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके पास एक धमकी भरा ईमेल आया है, और उस ईमेल में ये कहा गया है कि या तो 10 करोड़ रुपए दे दो, या फिर मैं आपके जो वीडियो हैं, जो मियाँ बीबी के वीडियो जो मतलब कपल ने कराया है, उसके जो मतलब बेहद पर्सनल वीडियो जो है ना, उसको सोशल मीडिया पर शेयर कर देगा। तो जब ये रिपोर्ट दर्ज कराएगी, उसके बाद जो है ना पुलिस ने छानबीन शुरू की। तो यहाँ पर मामला निकल के आया कि उन कपल का एक 11 साल का बच्चा था, तो बच्चे के ऊपर शक गया। जब बच्चे से स्ट्रिक्टली पूछा गया तो वहाँ पर बच्चे का जुर्म, बच्चे ने अपना जुर्म कबूल लिया। अब हुआ क्या यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ कि बच्चा ऑनलाइन क्लास अटेंड करता था, तो जाहिर सी बात है मोबाइल तो देना ही पड़ेगा मजबूरी में। उसके बाद ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के बाद उसने क्या किया, वो यूट्यूब पर भी समय देता था, और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, मैं आपको बताऊँगा। तो YouTube पर वो YouTube भी देखता था। अब YouTube में YouTube किस तरह के वीडियो बच्चों को सर्व कर देता है वो हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि YouTube का एल्गोरिथम जो है ना वो स्मार्ट जरूर है, लेकिन अभी उतना 100% एक्यूरेट नहीं है कि मतलब उस किस टाइप के कंटेंट जो है ना बच्चों को दे। तो ऐसे में हुआ क्या, बच्चा जो है ना मतलब एक कोई इस टाइप का वीडियो देख लिया, हैकिंग वगैरह टाइप का, जिससे उसने ईमेल का पासवर्ड वगैरह बदलना सीख लिया, ये तमाम चीज़ें सीख ली। इसके बाद उसने जो है ना क्या किया कि फ़ोन से अपने मम्मी पापा का एक वीडियो रिकॉर्ड किया, रात में जो बेहद पर्सनल वीडियो है उसको रिकॉर्ड किया। उसके बाद उसने पापा का ईमेल आईडी शायद हैक करके पासवर्ड वगैरह चेंज कर लिया, और किसी दूसरे ईमेल से उनको ईमेल किया कि आप मुझे 10 करोड़ रुपए दीजिए, अन्यथा आपकी वीडियोज जो है ना, आपका जो वीडियो है मियाँ बीबी का, उसको शेयर कर दिया जाएगा। तो ऐसे में बच्चे ने इतना सब कुछ कर लिया और उनको पता ही नहीं पड़ा। अब 11 साल की उम्र कुछ ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि ये हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। तो आपको अब करना क्या है यहाँ पर, देखिए हम बच्चे को स्मार्टफोन देने से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए कि अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है बच्चे की और आपको मजबूरी मोबाइल देना ही पड़ रहा है, तो आप बच्चे को जो है ना किड्स मोड पे डाल दीजिए, यानी कि एक डुअल स्पेस करके होता है या फिर पेरेंटल मोड होता है, इस तरह से उस पर डाल के दे दीजिए, ताकि जितने एप्लीकेशन उसको एक्सेस करना है वही एप्लीकेशन एक्सेस कर पाए, फालतू के ऐप एक्सेस ना कर पाए। इसके अलावा अगर बच्चा आपका यूट्यूब ज़्यादा ही चलाता है और आपका बच्चा कम उम्र का है, तो हमेशा याद रखिए कि यूट्यूब किड्स का यूज कीजिए, क्योंकि यूट्यूब किड्स पर अच्छे अच्छे फिल्टर्स लगे होते हैं, और वहाँ पर जो कंटेंट सर्व किया जाता है वो सिर्फ बच्चों के लिए सर्व किया जा सकता है, किया जाता है। तो इतना आप समझ लीजिए कि मजबूरी में हमें मतलब बच्चे को मोबाइल देना ही पड़ता है, लेकिन बच्चा हमारा देखेगा क्या ये हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिए। बाद बाकी का होता क्या है, पेरेंटल लॉक करना जब मत भूलिए। अगर आपका बच्चा YouTube देखता है तो YouTube में YouTube किड्स का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड जरूर कीजिए, और इसके अलावा हमेशा मॉनिटरिंग करते रहिए कि आपका बच्चा आपके फ़ोन में क्या कर रहा है, और मतलब जो बैकग्राउंड ऐप हैं, हर किसी का बच्चा अभी बैकग्राउंड ऐप क्लोज करना नहीं जानता है, तो जब भी आप बच्चे से मोबाइल वापस ले रहे हैं तो बैकग्राउंड में ऐप खोल के देखिए आपने, आपके बच्चे ने उसमें क्या क्या खोला है वो भी थोड़ा मॉनिटर कीजिए। देखिए बच्चा आपका है और बच्चे पे मतलब थोड़ा बहुत मतलब शक करना, या फिर यूँ कहें कि उसकी छानबीन करना कोई बुराई नहीं है, अपने बच्चे की आपको देखभाल जरूर करना होता है, नहीं तो इस टाइप का हादसा किसी के साथ हो सकता है। क्योंकि मतलब
एक नादान बच्चे को फ़ोन देना और फ़ोन का किस तरह से बच्चा यूज करेगा उसमें उतनी अभी बुद्धि नहीं है, ठीक है, चलाना वो जरूर जान गया है लेकिन उसमें उसका मिसयूज तो नहीं वो कर लेगा, ये आपको डिसाइड करना है और आपको खुद अपने बच्चे को परखना है। तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा शांत मतलब इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सावधान रहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।